सो टाइम हो रहा अभी सुबह के 11। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। आज भाई क्या भयंकर नींद आई है। कल रात को हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास सो गए थे और अभी 10:15 10:30 बजे के आसपास उठे हैं। सो आराम से 10 घंटे की लगभग नींद आई है और मस्त नींद आई है। अब ऐसे आज इतनी रिलैक्स फील हो रही ना बॉडी मेरे को, तो भाई मज़ा आ गया। ब्रश व्रश करके मैं एकदम फ्रेशन अप होकर रेडी हो चुका हूँ। एंड सामने अभी भी ब्रश कर रही है क्या? हाँ देखो, मुँह धो रही है अभी। सो वो तैयार हो रही है। मैं क्या थोड़ा सा जल्दी हूँ ना, आप लोगों को पता है कि मैं टाइमली काम कर लेता हूँ, तो मैंने तो कर लिया। अब जिनको टाइम लगता हो तो लगता ही है, कोई बात नहीं। और थोड़ा बहुत हमारा सामान बिखरा था तो हमने पैक कर लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ सामान तुमने पैक करा, मैंने तो बोला ही नहीं ये चीज़। नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ बोल सकता हूँ? पागल हो क्या तुम? मैंने कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे हमारा टीम का मैच चल रहा है, जो मैच में इस संडे खेलने पर स्कोर हो रहा है 47/3 7.2 ओवर में। क्या बात है, आज इस संडे एक बार मेरा मैच मिस हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट संडे से हम लोग का टूर्नामेंट भी स्टार्ट है। So, वो भी खेलना है। एंड चले ब्रेकफास्ट करने। लो, शी नीड 5 मिनट्स मोर। पहले कुछ खाया था, फिर आराम से मुंह धो लेना, सब कर लेना ना। चलो ठीक है। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने कल का ही मेन्यू सेम मंगवाया है, चीज़ वेज ग्रिल चीज़ सैंडविच, पोहा, बटर टोस्ट एंड चाय। बटर टोस्ट ये खाएंगे। सो गाइज, आप लोगों को पता है क्या कि IPL देखने के साथ साथ आप अपने ओपिनियन देखकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, वो भी ऑन lotus365.in पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि हु विल विन द मैच या हु विल विन द टॉस, जैसे 50+ क्वेश्चंस, एंड उनके आंसर्स देकर या अपने ओपिनियन देकर आप बहुत सारे प्राइजेस यहाँ पर जीत सकते हैं। lotus365 पर रजिस्टर कीजिए एंड पाइए 365 रुपीज़ का बोनस। यहाँ पर आपको 24 आवर 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है एंड यहाँ पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर क्रिकेट के अलावा भी 200+ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिन पर आप अपना ओपिनियन देकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा एंड सुनील शेट्टी जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो जाइए lotus365.in पर रजिस्टर कीजिए। सो गाइस, ये देखो यहाँ पे बैठ कर आराम से सन बाथ लेते हुए बिना सन के रिलैक्स कर रही हैं। एंड मैं जा रहा हूँ पूल के अंदर, क्योंकि पूल देख के और बर्फ़ देख के मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है। सो मैं जाके नहा के आता हूँ। जाओ तुम तो नहाना मत, 2-3 घंटे नहा लो, मैं सोती हूँ। 2-3 घंटे बस, मैं आया 15 मिनट में, फिर उसके बाद थोड़ा तैयार होगा, उसके बाद घूमने निकलना है। आज अपने को थोड़ा सा दूर जाना है, 7-8 किलोमीटर। ठीक है, आया मैं। गाइज, मैं गोवा आया था बीच में नहाने, बीच तो मिला नहीं। नेक्स्ट टाइम गोवा बीच, दिस टाइम पूल। तो गए क्यों नहीं बीच में? अब बीच के अंदर पता है, यहाँ पे ना अगर मैं बीच में नहाता रहूँ और तुम बीच के साइड में हो, तुम्हें कोई ले जाए तो इसलिए ना। नहीं, मैं नहाने भी नहीं दूंगी, डूब जाओगे तो मैं घर कैसे वापस कैसे जाऊँगी? फ्लाइट की टिकट हो रखी, मेरे फोन में टिकट है। ओके फाइन, नाउ यू विल गो। मतलब ये दुनिया, यस ये मतलब ये दुनिया सुन के मैं पूल के अंदर जाऊँ? जाओ बाहर मत आना, 5 मिनट के लिए। हाँ, और डीप आगे बाहर। लगभग 3 बजने वाली है एंड आई एम रेडी, एकदम तैयार हो चुका हूँ। मैं नहा धो के स्विमिंग पूल से नहा के निकला, उसके बाद शावर लिया एक अच्छा सा, एंड नाउ आई एम फीलिंग फ्रेश। स्विमिंग पूल में नहा के यहाँ पे मज़ा आ जाता है, ये चीज़ तो एकदम बॉडी है ना रिफ्रेशिंग से फील होने लग जाती है। तो मैं तो तैयार हो चुका हूँ एंड ये भी तैयार है, बस अपना वीडियो शूट कर रही हैं। एक बार वीडियो शूट कर लें, उसके बाद हमारी एक्टिवा भी आ चुकी है, जिसका रेंट है 800 रुपीज़ पर डे। वैसे तो 600 है यहाँ पे, लेकिन इस समय सीज़न चल रहा है तो सब मुँह मांग कीमत मांगते हैं, यहाँ पे लूटने का धंधा है गोवा में, तो वही चलता जा रहा है। कोई बात नहीं, वो एक्टिवा भी आ चुकी है, फिर एक्टिवा लेके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मुरजिम बीच। तो हमें एक्टिवा मिल चुकी है रेंट पर 800 में, ऐसी एक्टिवा मिलती है गाइस यहाँ पे, बहुत अच्छी है ना। वो भी 1 घंटे वेट करने के बाद मिली। अब वो कुछ कर नहीं सकते, नहीं वो बोल रहे हैं कि एक्टिवा ही नहीं आता रेंट पर, मिल ही नहीं रही जल्दी कहीं पे भी, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है ना फॉरेनर्स का, तो इतनी मुश्किल से मिली। तो मैं कहा चलो ठीक है, जो मिला है काम चलाते हैं आज, इसकी बात है बस। अभी चलते, इसमें पेट्रोल भराना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल देते नहीं है अभी, या तो सामने से ले सकते हैं या पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर। सो गाइस, एक्टिवा पे अब हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए, एक्टिवा व्लॉगिंग करेंगे अब हम हेलमेट पहन के ऐसे। बढ़िया बढ़िया, आई एम लुकिंग क्यूट। क्या बात है गाइस, एंजॉय।
सो हम लोग पहुंच चुके हैं मुरजिम बीच। गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दिया, थोड़े से आगे गाड़ी पार्क करी है। मुरजिम मुरजिम बीच एंड सामने है ये मुरजिम बीच। अच्छा है ना ये भी, एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट डे तो देखा था उसके कंपेरिजन में दोनों सारे अच्छे हैं और आगे कल जो वो तो और अच्छे हैं। सो वो तो है ही भाई। और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा और पैराग्लाइडिंग कुछ हो रही है, पैरा पता नहीं क्या हो रहा है, कोई उड़ नहीं रहा है, सिर्फ यही उड़ रहा है, पैराशूट ही उड़ रहा है भाई वहाँ पे, लेकिन कोई बंदा नहीं दिख रहा उसमें। अच्छी सी जगह देखते हैं एज यूजल, बैठेंगे और जम जाते हैं, फिर जमाते हैं बढ़िया सा कुछ, फिर हम पेट पूजा चलती है हमारी रुकने के बाद, हम बिना खाए अभी भाई क्योंकि सुबह का नाश्ता करा हुआ है और 4:30 बज गई ऑलरेडी हमको, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है, 8 किलोमीटर हमारे होटल से पड़ता है ये। सो इस वजह से, और इस साइड पे जिस साइड में हम लोग हैं यहाँ पे सिर्फ दो ही बीच मिलेंगे आपको, एक आरामबोल और एक मुरजिम, दो ही बीच है। ऐसे तो छोटे छोटे 2-3 बीच और हैं रास्ते में, हाँ मैन मैर ऐसे कुछ करके नाम है उसका, मैन हैर ऐसे कुछ करके, उस पर एक अच्छा सा कैफे है। सो वहाँ पे हम लोग जाते वक्त वहाँ पे जाएंगे। फिर से विराजमान हो चुके हैं हमेशा की तरह अपना सिंहासन पर, काम करते ना गोवा से दो ये ले चलते, अपने घर के आगे लगा लेंगे आराम से, सामने देखेंगे बैठ के ना, दूसरों के घर में से बालकनी से झांका, बीस तो मिलेगा नहीं, बीस तो मिलेगा नहीं, बट कोई नहीं, ये तो है कम से कम फील जाएगी, फील आ जाएगी। चलो जयपुर में क्यों होता है, आज थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है यहाँ पे, और आज हम लोग आए भी 1 घंटे कम से कम जल्दी, 4:30 बजे पहुंच गए, हम लोग कल 5:30 बजे निकले थे घूमने। सो उसके कम्पेयर एंड ये जो जगह है ना मुरजिम बीच, आई एम लुकिंग स्मार्ट, आई एम लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू, नाउ आई एम नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि आपने नहीं बोला एक बार भी, तो नहीं अच्छी लग रही इसलिए नहीं बोला, आप ही नहीं लग रहे, जा कोई बात नहीं। सो और पता है ये जो एक सेकंड, ये जो जगह है ना क्या नाम है मुरजिम बीच, मुरजिम बीच पे सबसे एक्सपेंसिव अभी तक का बीच यही है मुरजिम बीच। हाँ सही बात है, वो तुम्हारी बात सुनकर नो बेबी, क्या हो गया गाइस, दूसरों का बच्चा चुरा लेती है ऐसी, दूसरों का बच्चा ऐसे चुरा के भागती है ये, उनकी मम्मी आ रही है मारेगी इसको। अच्छी खासी जगह बनी है आराम से बैठने के लिए, लेकिन नहीं मेरे सर पे खड़े होना है इनको, और जब तक पाओ मैं ऐसे मिट्टी में डालने लगी मारिए, देखो चाहती क्या हो तुम जीवन से, यार पहली बार तो आई हूँ बीच पे खेल लेने दो ना। अच्छा पहली बार आई हो, पहले घर बनाओ मेरे साथ चलो, यहाँ घर बनाए, यहाँ नहीं बनाए अपन, घर असली वाला बनाएंगे, टेंशन मत, पहले एक तो ये तो मॉडल तो पहले एक बना लूं, फिर वैसे ही मॉडल कल बनाएंगे कल रात। हमारे भाई खाने में सबसे पहले हमने पिज्जा मंगाया था, तो पिज्जा आ चुका है, कितनी भयंकर चीज ये देखो, सनसेट होने वाला है क्योंकि 6 बज चुकी है ऑलरेडी, एंड यहाँ पे जो वेव्स है ना वो काफ़ी यानी छोटी वेव्स है, स्लो वेव्स है, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स नहीं, उस साइड पे भले थोड़ी सी तेज वेव्स आ रही है, और वहाँ पे कहीं हम बैठे थे ये येलो वाले जो शेक्स बने हुए हैं वहाँ पे, सो एक बार थोड़ा सा पैर पानी में दे लेते हैं हमेशा की तरह, हल्का सा दूंगा इस बार बस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं देना, चप्पल ऐसी है कि अगर भीग गई ना तो फिर मुझे गाड़ी भी चलानी और अजीब सा लगेगा। एंड इस वाले बीच पे ना मुझे शेल्स दिखी हैं थोड़ी बहुत, जैसे ये केरी और भी हैं छोटी छोटी हैं, उसके अलावा एक ये रही, दो तो मिल गई, और भी एक इधर है ये रही, बहुत सारी है। अब हम लोग इस बीच से जा रहे हैं एंड एज़ कम्पेयर टू जितने भी बीचेस मैंने अभी तक देखे हैं गोवा के अंदर लास्ट ईयर एंड इस ईयर, ये वाला बीच सबसे एक्सपेंसिव बीच था अभी तक का, मुरजिम बीच बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा ही, यानी जस्ट डबल से भी रेट है यहाँ पे। यहाँ पे एक डाइट कोक जो छोटी सी आती है वो 250 की है, रेड बुल यहाँ पे 400 रुपये की है, सो जस्ट डबल रेट है सारी चीज़ों के, 500 रुपये से कम तो कुछ भी यहाँ पे खाने का नहीं है। बीच पे से हम लोगों का प्लान तो था कहीं पे जाके कुछ खाने का, लेकिन प्लान पे पानी फिर गया क्योंकि हमारे बीच में हो गई थोड़ी सी लड़ाई, बहस हो गई हमारे बीच में, बहस नहीं हुई है, आप हाँ बोलो, आप ऑफेंड हो गए एक बात से और उसके बाद आपने मुंह फुला लिया, बस सही बात है, मैं तो मुंह फुला लेता हूँ ना ऐसे बैठे बैठे, मुझे तो मेरे चलते चलते सांप काट लेता है, मैं मुंह फुला लेता हूँ जो नहीं नहीं क्या, बट यू आर सेंसिटिव, ठीक है कोई नहीं चलो, खैर जो भी था लड़ाई ही लड़ाई है गाइस, अभी हम लोगों ने बैठ कर यहाँ पर बातें, हमने हमारा झगड़ा सुलह कर लिया क्योंकि हमें काम भी तो करना है, नहीं ये वजह नहीं थी, सो हमारा झगड़ा भी सुलझ चुका है, फिर हम लोग कहीं नहीं गए, अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम हमारे स्विमिंग पूल के जस्ट बगल में, यहाँ पे भी वाइब अच्छी आ रही है, सो यहीं पे हम लोग आराम से बैठ के बातें कर लेते हैं, अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, पक्का ऐसा हमारी लड़ाई हो जाती है ना बिल्कुल, ऐसी इच्छा नहीं करती ना व्लॉग बनाने की ना काम करने की ना कुछ, मन नहीं करता, इसलिए कहता हूँ लड़ा मत करा करो, लड़ी नहीं थी
तो तुमने क्या बात बोली, बताइए मैं बताता हूँ तुम्हें हुआ क्या था। आप लोगों ने दिखाया था ना वो क्या बोलते हैं मिट्टी में पैर डाल के बैठी थी, फिर ये निकाल के आके उस पर बैठ गई थी जो रिक्लाइनर होता है इसे बैठ गया। अब मैं इनको कहा मैं देखो कैसे पैर अपने कर लिए पूरे मिट्टी में डाल के, तो मुझे सुनाने लग गई उस बात पर। क्या मैंने बस इतना मुझे बोली हर बार हर चीज से दिक्कत होती है जब देखो बोलते रहते हो कुछ भी ये वो बुरे मुंह मत लगा करो चले जाओ यहाँ से। मैं इतना बोल ही नहीं सकती सबको पता है ठीक है, अभी सब कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि मैं बोल सकती हूँ कि नहीं गाइस प्लीज। अब मैं अपने लिए अप्रोच नहीं कर रही बट आपको खुद ही पता है तो आप लिख देना इनके खिलाफ ही लिखना सारे। मेरे चाहने वाले हैं वो नहीं लिखेंगे, मेरे भी चाहने वाले हैं ठीक है। हाँ, देख लेना चाहो, और जो मैंने बोला ही नहीं है तो झूठी थोड़ी वो लोग लिखेंगे, वो खुद समझदार है। अच्छा फिर नाराज हो गई मान के मान गुस्सा आप हुए थे। अच्छा गुस्सा आप हुए थे ठीक है चलो। मैंने बहुत बहुत मिन्नतें करी है, बहुत हाथ पैर जोड़े तब माने। हाथ पैर नहीं जोड़े, डोंट से दिस दिस इज रॉन्ग, हाथ पैर नहीं जोड़वाता मैं किसी से। नहीं बहुत अच्छे से आए हैं प्यारे से। सॉल्व हो गया सब कुछ हमारा, अभी डिनर विनर करते हैं चलो। सो इट्स डिनर, अरे यार रुक जा दाल बेचने वाली। सो इट्स डिनर टाइम एंड डिनर में हम लोगों ने कल वाला मेन्यू मंगाया सेम, मशरूम बिरयानी, दाल, गार्लिक नान, पेप्सी, रायता, चम्मच, प्लेट एंड एक मोटा दोस्त मेरा। एक्चुअली हम लोग इतने बड़े कामचोर आलसी हैं कि हम मेन्यू भी नहीं देखते, हम कहते हैं अरे जो कल मंगाया कुछ नया ट्राई करना कि लास्ट मील लेनी, कल वैसे भी यहाँ से चेकआउट करना है तो जो अच्छा खाया तो वही वापस से खा लेते ना, और कौन सा हम लोग नॉन वेजिटेरियन है की सबसे बड़ी अपनी प्रॉब्लम तो यही है दैट वी आर वेजिटेरियन। और पता है यहां पे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम के और सी फूड और चिकन भी तो बहुत सारी वैरायटीज है बट वेज में नहीं मिलती, वेजिटेरियन सो इट्स नॉट अ फॉर मी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम भाई हमारे लिए तो सही अच्छा है। प्रॉब्लम वाली बात नहीं बट मेन्यू में बहुत कम चीज़ें हैं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसमें गुजारा करो, जो मिल रहा है उसी को खाओ मजे करो, वाई टू विश फॉर मोर बस। सो गाइस डिनर हमारा हो गया है और अभी हमें थोड़ी बहुत पैकिंग हमारी बची है जो हमें करनी है क्योंकि कल हमें यहाँ जल्दी मॉर्निंग में जल्दी चेकआउट करना है क्योंकि हमें जहाँ जाना है वो डिस्टेंस काफ़ी है। और अभिषेक तो सो गए हैं तो मैं ही ब्लॉग एंड कर रही हूँ, तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड तब तक के लिए गुड बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बाय।